यानी हम लोग बात करते हैं बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या बताया था? एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सही बात है। हिंदी में अगर अनुवाद करें तो क्या होता है? यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से क्या करता है? वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से। कंबाइन करके लिखेंगे तो m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाए कॉन्स्टेंट क्या आया? जी। एंड दिस जी इज नोन एज व्हाट? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है? मैंने बताया कि यूनिट कहाँ से आई, तब लोगों ने बोले कि भैया इस डिस्टेंस के स्क्वायर को इधर ले लो, m1 m2 को नीचे दे दो, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? जी। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। ये भी मास है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? केजी। केजी इंटू केजी क्या हो गया? केजी का स्क्वायर। आप लोग के बुक में इसको ऐसा भी लिखता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेस टू माइनस टू। बात वही है, नीचे पावर प्लस है ना, ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? आया ना बच्चों? देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग भी तो यूनिवर्स में ही आते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग अलग अलग जगह पे चल रहे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आगे चिपक जाए? फोर्स कब? हाँ, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। सर जैसा आप बोल रहे हैं यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट, मैं नहीं सॉरी न्यूटन जैसा बोल रहा है कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो भैया अर्थ भी तो सर मुझे खींच रही होगी। मान लो आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर आप है, आपका दोस्त यहाँ पर, आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट आपके और अर्थ के बीच में भी तो है। सर हम लोग का तो मास बहुत कम है अर्थ के मास के कंपेयर में। अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁴ kg, 6 × 24 0, इतना किलो मास है किसका? अर्थ। हम लोग का 6 × 10⁻¹ नहीं है सर, ढंग से। सही है ना? बहुत ज्यादा वजनदार होंगे तो 60 किलो के होंगे सर, सही बोलो ना? तो हम लोग के बीच में जो फोर्स है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू फोर्स बिटवीन अस एंड अर्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? क्लियर है। दूसरा, जमीन और आपके बीच में फ्रिक्शन भी तो है। जैसे आप बेंच पे बैठे हो तो बेंच की और आपके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। हम लोग के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो इतना भी नहीं है कि उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स आपको रोक रहा है, ग्रेविटी आपको खींच रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस फ्रिक्शन फोर्स से भी क्या है? कम। ज्यादा नहीं बच्चा, ज्यादा रहेगा तो सरकने लगेगी, कम है इसीलिए सरक रहे नहीं। समझ में आया? आया ना? देखो न्यूटन को ना केपलर का थर्ड लॉ जो था उससे हेल्प मिली, न्यूटन को केपलर के थर्ड लॉ से हेल्प मिली। देखो यार इसने डिनोमिनेटर में किसका यूज किया? डिस्टेंस की स्क्वायर का। किसका यूज किया? आप बोल सकते थे सर क्यों स्क्वायर, रूट भी हो सकता था, क्यूब भी हो सकता था, फोर्थ पावर फिफ्थ पावर भी हो सकता था, व्हाई डिस्टेंस का स्क्वायर? तो न्यूटन को हेल्प मिली थी केपलर के थर्ड लॉ से। अगर आपको याद हो जब मैंने पहला लेक्चर इस टॉपिक पे लिया था तो मैंने आप लोग को बताया था कि न्यूटन ने खुद बताया था कि भाई मुझे वो लोग जो पहले इसके ऊपर काम कर चुके हैं उनकी मदद से मैंने ग्रेविटी को क्या किया हो? डिस्कवर। याद है ना मैंने उसके स्टेटमेंट बताया था, उसने बोला था मैं उन जाइंट्स के कंधों पर खड़ा हूं जिन्हें आप देख नहीं पा रहे। ये बता दो, देखो हम लोग देखते हैं कि कैसे न्यूटन को केपलर के थर्ड लॉ से हेल्प मिली थी। जब ध्यान से एक केस लेते हैं, मान लो कि ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड में मून क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। मून क्या कर रहा है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है। अब एक चीज को नोटिस करो, ये सर्कल में घूम रहा है ना, मतलब ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे रोटेट करेगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? 2 π r। अरे डिस्प्लेसमेंट उसका सर्कमफेरेंस होने वाला है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 2 π। नीचे क्या है? टाइम। नीचे क्या है? चलो तो v इसको t कैपिटल t। सही है। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? 2 π r / टाइम। अब देखो आपको याद होगा
लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सर्कल में घूमने का रीजन है सेंट्रीपेटल फोर्स, याद है? सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एमवी स्क्वायर बाय आर, क्या होता है फॉर्मूला? ये सफिक्स में यहाँ सीपी लिख देता हूँ, सेंट्रीपेटल फोर्स है मतलब वो फोर्स जो उसको सर्कल में घुमाने वाला है, याद है ना पोल से घोड़े को बांध के घुमा रहे थे अपने लोग, तो सेंट्रीपेटल फोर्स प्लास्टर डब्बा भी क्लास में घुमा रहे थे, ठीक है। Now what is velocity? Sir, velocity की value कितनी है? 2 pi r upon t. तो मैं यहाँ velocity की जगह कितना रख सकता हूँ? 2 pi r upon t square है तो square. नीचे पहले से क्या है? r 2 का square 4, pi का square pi square, r का square और t का square नीचे आ जाएगा into r. पहले से r. अगर आप लोग को Kepler's का third law याद है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ. Kepler's का third law क्या था? Kepler का third law Kepler's third law क्या बता था? P square is directly या T square is equals to K into R cube, सही है? देखो यहाँ पर अगर मैं R cube को नीचे ले लूँ बच्चों, R cube को क्या कर दूँ? या T square को नीचे ले लूँ, K को उधर भेज देता तो 1 upon K किसके बराबर हो जाएगा? R cube upon T square के, अरे हाँ है ना, मैंने T square नीचे लेके आया और K को इधर भेज दिया तो 1 upon K किसके बराबर है? R cube upon T square. देखो यहाँ पर R cube है और T square है, अपने पास R square है और T square है, मैं ऊपर नीचे किससे multiply कर देता हूँ? R से, ऊपर नीचे किससे multiply कर देता हूँ? Cube है, ये समझा? मुझे R cube बनाना है, क्या बनाना है? अब ध्यान से देखो, मैं लोगों को combine करके लिख रहा हूँ, 4 m pi square, R square into R, R cube, ये R into R, R square into T square. R cube upon T square किसके बराबर है? 1 upon K. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 m pi square upon K. अरे 1 upon K लिख दूँ, ऐसा लिख देता। और नीचे पहले से क्या प्रेजेंट है? अब अगर ध्यान से देखो बच्चे लोग, 4 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और K भी क्या है? कांस्टेंट। ये सारी चीजें क्या है? सिर्फ क्या बचा है नीचे? R का स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर में क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? डिस्टेंस का, अरे ये डिस्टेंस है ना R, यहाँ से लेके यहाँ तक इसी को R बोल रहे हैं हम लोग, तो R का स्क्वायर है ना नीचे, और उसने भी क्या बोला था? डिस्टेंस का स्क्वायर। कहाँ से हेल्प मिली? समझ में आया? इसीलिए ना हम लोग इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या होता है बच्चे लोग? नीचे है इसके लिए स्क्वायर, स्क्वायर है ना नीचे, नीचे इसीलिए क्या बोलते हैं? इनवर्स। नीचे इसके लिए क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर है तो स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर। अरे समझा कि नहीं? क्वेश्चन अगर आता है कि न्यूटन को कैसे पता चला कि नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, तो आप लिखेंगे कि उसको मिला था हेल्प कहाँ से? कैलकुलस के थर्ड टर्म से। और फिर ये वाला डेरिवेशन क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत ना? चलो ठीक। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आओ। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हाई टाइड एंड लो टाइड। ये सुने आप लोग? हाई टाइड कम क्या होता है? हाई टाइड और लो टाइड सर, वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता है और कम होता है समुद्र के अंदर। हम लोग बारिश के टाइम पर अक्सर सुनते हैं हाई, ऐसे तो हमेशा होता है बारिश के टाइम पर, क्योंकि वैसे बरसात होती है तो पानी ज्यादा होता है, तो हाई टाइड के टाइम पानी और ज्यादा होता है। तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करती है? नोटिस इशू करती है कि ये टाइम से ये टाइम के बीच में जो फिशर्स का फिशरमैन है उनको समंदर में जाना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं क्यों? रीजन है भैया बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, पानी का लेवल बढ़ने वाला है, हो सकता है कि आपका नाव वगैरह डूब जाए, पॉसिबिलिटीज। इसीलिए उस टाइम से कुछ एक टाइम इंटरवल होता है जहां पर वो लोग मना करते हैं कि ये टाइम पर नहीं जाना। ऐसे एक टाइम होता है जहां पर पानी का लेवल कम हो जाता है। मगर सर ये क्यों पढ़ रहे? ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहे हैं, वी आर डीलिंग विद साइंस, तो फिर आप ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हैं? हम मून की वजह से, हाई टाइड और लो टाइड मून की वजह से होती है। यस, हाई टाइड और लो टाइड किसकी वजह से होती है? मून की वजह से। आप देखो कैसे, मान लो बच्चे लोग कि अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, ये क्या है? देखो हम लोग पढ़े हैं यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स के हर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स। अर्थ मून के ऊपर अप्लाई कर रहा है तो मून भी तो अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा।
मेरे और आपके बीच में नेग्लिजिबल है, मेरे और आपके बीच में या मेरे और अर्थ के बीच में जो सॉरी मेरे और आपके बीच में जो फोर्स है वो बहुत, बट इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो देखो मून जब अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, जब उसको खींचेगा तो खींच तो पाएगा नहीं, मगर फोर्स तो लगाएगा। तो देखो अर्थ के ऊपर पानी भरा हुआ, क्या भरा है पूरा सरफेस पे, क्या होता है पानी होता है। जब मून उसको खींचता है तो मून उसको क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है, उसको क्या करता है खींचने से तो रहा तो क्या करता है उसको जब फोर्स लगाता है तो अर्थ को क्या करता है कॉम्प्रेस, अर्थ तो दबने वाली नहीं, बट अर्थ के ऊपर पानी है, वो पानी पे जब फोर्स लगता है तो वो पानी भागता है। अरे आप समझ रहे हैं, एक स्पंज है, स्पंज वाला बॉल है, मैं उसको यहाँ से दबाऊ तो यहाँ से बाहर आएगा, अरे आया ना। तो इसी पानी यहाँ पर है, जब मैं इसको यहाँ से दबाऊंगा तो पानी भाग के कहाँ जाएगा, मतलब सर यहाँ पर पानी का लेवल बहुत कम हो जाएगा और यहाँ पर पानी का लेवल बहुत, और कम है ना भाई दोनों जगह से, यहाँ पर पानी का लेवल क्या हो गया, मतलब यहाँ हाई टाइड है, यहाँ हाई टाइड है और यहाँ क्या है, सही बात है। फिर मून घूम के इधर आएगा तब उसको ऐसा दबाएगा तो पानी यहाँ से भाग के कहाँ आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाई टाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर मून घूम के यहाँ आएगा, फिर मून उसको दबाएगा, फिर पानी भाग के आएगा, फिर यहाँ पर हाई टाइड, यहाँ पर हाई टाइड, यहाँ पर लो टाइड, यहाँ पर फिर मून घूम के यहाँ आएगा। हाँ दिन में दो बार हाई टाइड और लो टाइड आती है बच्चे, भाई दो बार हाई टाइड ऐसी दो बार लो टाइड, अरे मून रोटेट कर रहा है ना, तो जब जब वो घूमेगा तो जिस एरिया में मून रहेगा उस एरिया में क्या होने लगेगा, पानी बढ़ने लगेगा। तो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, हाई टाइड आने वाला है। वो लोग को पता है कि मून की घूमने की स्पीड इतने इतने टाइम के बाद वो वहां चले जाएगा, मतलब यहाँ का पानी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मेजर करते उस हिसाब से फिर वो लोग नोटिस को क्या कर देते इश्यू, समझ में आया हाई टाइड और लो टाइड का रीजन समझ में आया। नेक्स्ट चीज है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखो हम लोग किसी भी चीज को जब ऊपर के डायरेक्शन में फेंकते हैं ना तो वो कुछ टाइम के बाद वापस से नीचे आ, मतलब अर्थ उसको क्या कर रहा है अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ उसको क्या कर रहा है अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट कहां पर आता है नीचे। बट आपको ये जानना चाहिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसके गिरने की जो स्पीड होती है ना वो सेम नहीं रहती, वो बढ़ते जाती है, वो क्या होती है चलो मतलब वो एक्सेलरेट करता है। नाइन्थ स्टैंड में पढ़े थे एक्सेलरेशन, मतलब वो बार बार उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, वो सेम स्पीड से गिर रहा, उसके बढ़ने की स्पीड क्या हो रही है सॉरी गिरने की स्पीड क्या हो रही है चेंज हो बढ़ते जा, मतलब कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, और क्योंकि वो किसकी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, इसीलिए उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बोलते उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे तो आ रहा है एक्सेलरेट तो हो रहा है बट किसकी वजह से ग्रेविटी, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से लिखते हैं, स्मॉल जी का मतलब क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। अब सवाल ये कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्मूला या इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब जरा नोटिस करो यहाँ पे, मान लो ये अर्थ है और यहां एक पर्टिकुलर हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हाइट कितनी है h और ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल r, हम लोग यहां से लेके यहां तक पूरे को क्या बोलते हैं स्मॉल r, यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है मतलब बेसिकली स्मॉल r किसके बराबर है कैपिटल r प्लस h, है ना। r में h मिला दो तो क्या मिल जाएगा स्मॉल r मिल जाएगा, अरे समझा कि नहीं। अच्छा आप लोगों को अगर याद हो हम लोग ने अभी फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़े थे जी एम एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, लेट्स से कैपिटल एम अर्थ का मास है स्मॉल एम इस ऑब्जेक्ट का मास है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है आर है ना, इसीलिए आर का स्क्वायर, पीछे डी दिया था यहाँ पे क्या ले लिए आर। एक फॉर्मूला नाइन्थ में तुम लोग ने पढ़े थे फादर इज इक्वल टू मास, अरे याद है ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बट एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से, तो मैं एक ही जगह क्या लिख दूंगा समझ में जी का मतलब भी एक्सेलरेशन ही है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है इसके लिए एक ही जगह क्या लिख दी है, दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्मॉल एम से स्मॉल एम,
तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, सही है। अगर चाहो तो हाइट के फॉर्म में लिख सकते हो, जी एम अपॉन स्मॉल आर किसके बराबर है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, स्मॉल आर किसके बराबर है, आर प्लस एच का स्क्वायर है। तो जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर बोलो, या जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। स्मॉल आर डिस्टेंस था, कैपिटल आर रेडियस है, कैपिटल आर क्या, चलो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर यहां रख दूं, मतलब हाइट कितनी हो गई जीरो, हाइट कितनी हो गई जीरो। बोलने का मतलब यह है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सरफेस ऑफ अर्थ, कहां पर हो, अर्थ के सरफेस पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो एच की वैल्यू कितनी जीरो। तो यहां अगर मैं एच की जगह जीरो रख दूं तो जी का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप इन सब की वैल्यू पुट करो, g की वैल्यू कितनी होती है 6.673 into 10 to minus 11, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 into 10 to 24, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6 into 10 to 6, 6 into 10 to 6 किलोमीटर, सारी वैल्यूज को रखोगे 10 to 4 दिया है 6 तो उसका स्क्वायर करो, सब वैल्यू को पुट करके जब इसका आंसर निकालोगे तो एप्रोक्सीमेट आता है 9.8, कितना आता है बच्चों, मतलब g की वैल्यू, g की सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी लिखते हैं हम लोग, 9.8 कितनी लिखते हैं बच्चे लोग, समझ में आया। मगर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, स्मॉल जी की वैल्यू फिक्स, क्योंकि मैंने किस पे बात किया, सरफेस पे। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो फिर जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, अगर नीचे आऊंगा तो जी की वैल्यू क्या होगी वो बाद में देखेंगे, ये समझ में आया। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को समझना है बच्चे, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये वाले को या ये वाले को, इस फॉर्मूले में सिर्फ एक ही मास है ना, और वो कैपिटल एम किसका मास था, अर्थ किसका मास था, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं। मैं ये बोल रहा हूं बच्चे लोग कि अगर मैं ये डस्टर को और अगर इस मार्कर को सेम हाइट से ड्रॉप करूं तो दोनों साथ में जमीन पे पहुंचेंगे, आगे पीछे पहुंचेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि एक हाथी को और एक चूटी को अगर मैं साथ में गिराऊं तो दोनों जमीन पर साथ में, नहीं सर हाथी पहले गिरेगा, सही बात है, नहीं फॉर्मूला मगर ऐसा नहीं बोल रहा, फॉर्मूला बोल रहा है कि ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं करती। फॉर्मूला देखो भाई, ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड, हाथी गिराओ या चींटी उससे कोई लेना देना नहीं। फिर सर ये तो मगर गलत है, हम लोग को तो दिखता नहीं ऐसा, मैं इसका प्रूफ दूंगा। देखो जब हाथी और चींटी को गिराते ना तो हाथी वजन है, मगर चींटी का वजन कम है, एयर का रेजिस्टेंस क्या करता है, चींटी को रोकता है, बायोम्सी इफेक्ट, पढ़े बायोम्सी इफेक्ट, वो बचपन में हम लोग पार्ट ड्रम वगैरह में से डाल के उल्टा उसको प्रेशर से सब खेलते थे, जब वो अंदर चले जाता तो फिर ऐसा हाथ डाल के चेक करते थे गीला हुआ है अंदर से, नोटिस किए हो, पानी उसको ढकेलता था ना ऊपर, उसको बोलते हैं बायोम्सी इफेक्ट, क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं पेपर को ड्रॉप करूं तो वो ऐसा झूलते हुए नीचे जाता, डायरेक्ट गिरता क्यों नहीं गिरता है, बायोम्सी हवा उसको क्या कर रहा है, पेपर हल्का है ना, हाथी हल्की नहीं है, चींटी हल्की है, तो चींटी पे बायोम्सी इफेक्ट है, किसकी वजह से, एयर की वजह से, मतलब अगर मैं एयर को हटा दूं, अगर मैं एयर को, तो आप देखेंगे बच्चों कि ये दोनों जमीन पर साथ में गिरेंगे, ये दोनों जमीन पर, मैं इसका वीडियो बाद में दिखाऊंगा, ग्रुप में शेयर भी करूंगा, ये वीडियो शेयर किया हूं शायद से मैंने, बायोन्सी सॉरी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, नेशनल ज्योग्राफी का एक एक्सपेरिमेंट है, वो लोग ने बताए हैं, तो हम लोग वो बाद में मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा वीडियो। तो ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, चींटी गिराओ या हाथी गिराओ या पंख गिराओ कबूतर, सब साथ में नीचे आएंगे, अगर एयर ना हो तो वैक्यूम अगर होगा, अगर इस रूम से मैं पूरी एयर को निकाल दूं और लिटरली मैं अगर इन दोनों दो चीज को गिराऊं तो वो दोनों जमीन पर साथ में पहुंचे, क्योंकि ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती ही नहीं। अरे हाँ है, समझ में आ गया पक्का, जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और अगर ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर इन सब की वैल्यूज को पुट करो
तो आपको जी की वैल्यू कितनी मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? लिख लो उसको। देखो हम लोग ने अभी पढ़े कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर जो वेरिएशन आता है वो हम लोग को डिस्कस करना है। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट सरफेस, मतलब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाए तो ग्रेविटी में क्या चेंज होगा, अगर आप अर्थ के सरफेस के अंदर आए तो ग्रेविटी में क्या चेंज होगा, या फिर मैं अर्थ के सरफेस पे ही घूमू तो क्या चेंजेस होगा। तीन केस हम लोग को पढ़ना है। तो पहला डिस्कस करते वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। देखो हम लोग को पता है कि अर्थ पूरा सर्कल नहीं है ना बच्चे लोग, अर्थ परफेक्टली स्फीयर, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, हाँ ऐसी दिखती। वो पोल पर वो फ्लैटन होती दबी हुई होती, और वो इक्वेटर पर क्या होती है, बल्जिंग होती है। आपको पता है ना इसको पोल बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर पर वो बाहर की तरफ होती है और पोल पर वो कैसी होती है, दबी होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ रेडियस कम है और यहाँ रेडियस, अच्छा रेडियस और ग्रेविटी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स का। अरे ये देखो ना आर नीचे है ना, तो कौन सा रिलेशन है दोनों के बीच में, मतलब अगर यहाँ रेडियस ज्यादा है तो यहाँ ग्रेविटी क्या होगी, सिंपल। पोल पर रेडियस क्या है, कम, तो यहाँ ग्रेविटी क्या होगी। इससे एक बात पता चली कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पर ही रोटेट करो, अगर आप पोल से चल के कहां चले जाओ, इक्वेटर पर, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, क्योंकि जी स्मॉल जी फिक्स नहीं है, वो कांस्टेंट, वो जगह के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। तो भैया अगर पोल पर है तो ग्रेविटी ज्यादा है और इक्वेटर पर आगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कैसे, ये समझ में आया। सर पोल पर रेडियस कम है इसके लिए वहां पर ग्रेविटी क्या है, ज्यादा, और इक्वेटर पर ग्रेविटी का रेडियस ज्यादा है इसके लिए वहां पर ग्रेविटी क्या है, कम। इससे एक बात समझ में, एक बिजनेस बना रहा, ध्यान से सुनना। आप क्या करो, आप सोना खरीदो इक्वेटर पे, कहां पे खरीदो, और सबको लेके जाके बेचो पोल पे। इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है तो उसका वजन क्या आएगा, कम, और पोल पे लेके जाके बेचोगे तो उसका वजन क्या आएगा, ज्यादा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं सर ऐसा, सही है ना, नहीं ऐसा नहीं, मजाक करो, सीरियस पहली चीज, पहली चीज सर ये पोल से इक्वेटर से पोल पे जाने की बात चल रही, समझ में पनवेल से कलंबो ले आने की बात नहीं चल रही। अच्छा खासा डिस्टेंस होगा, पैदल तो चल के नहीं जाएंगे, फ्लाइट लेके जाएंगे, अच्छा खासा खर्चा होगा। दूसरा मैंने बोला सोना बेचते हो बच्चे लोग, हम लोग ना यही चीज में गलत, मैं जानबूझ के ये बोला क्योंकि अपना नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मास और वेट। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मास और वेट अलग अलग चीज है। हम लोग जब कोई सामान खरीदते हैं ना, हम लोग उसका मास मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, और मास बदलता, अब पोल पे रहो या इक्वेटर पे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, मास बदलने वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप जितना मास यहाँ खरीदोगे उतना मास वहां रहने वाला है, समझ में आ रहा है। यहाँ 2 किलो सोना खरीदे तो वहां पर भी कितना रहेगा, वजन बढ़ सकता है, वेट बढ़ सकता है, कम हो सकता है। वेट सुनना ध्यान से, मैंने बोला वेट, मास और वेट अलग अलग, अभी आगे डिस्कस करेंगे। वेट बढ़ सकते, मास बढ़ने वाला नहीं है। अरे समझा कि नहीं, पक्का तो बिजनेस फ्लॉप होगा, ठीक है सर। हम लोग तो अभी सोच रहे थे, वही तो सोच रहे थे कि सर अभी जैसी 10वीं खत्म होगी यही बिजनेस का सेटअप डाल देंगे हम, बट आपने पहले ही फ्लॉप कर दी। सेकेंड वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, एट एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, हाइट को बोलते हैं, क्या हो अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाए, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, आप अर्थ के सरफेस से कहां जा रहे हैं बच्चे लोग,
यहां पर तो ये हाइट है एच और ये अर्थ का रेडियस है आर। हम लोग पता ही पूरे को क्या होता है हम लोग देखो मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा हाइट बढ़ती जाएगी। हाइट और ग्रेविटी में कौन सा रिलेशन? इनवर्स। हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या होगा? ये समझ में आ रहा ना मैं इनवर्स कैसे बोल रहा हूँ? नीचे है ना, इसके लिए हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या होगी? तो सिंपल सा लॉजिक है सर, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी ग्रेविटी क्या होती जाएगी? सही बात है, हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या होगी? कोई दिक्कत बच्चा? चलो अब तीसरा केस, ये तो फॉर्मूले से समझ में आ रहा है। तीसरा देखो, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या? नीचे आ पहले ऊपर कहते हैं, अब कहां पर डेप्थ नहीं है भाई, डेप्थ है। कहां पर आ रहे हैं हम लोग? जमीन में नीचे आ रहे हैं। लेट्स सी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। हम लोग इतना नीचे आ गए तो अब मेरे नया अर्थ का साइज ये हो गया ना, अरे रेडियस बदल गया ना, पहले 6400 किलोमीटर था, अब हम लोगों ने कितना कर दिया उसको, लेट्स से 5000 कितना कर दिया, 1400 किलोमीटर का रेडियस क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा सर, फॉर्मूले के हिसाब से अगर रेडियस कम होगा तो ग्रेविटी भी क्या होगी? कम होगी, बढ़ेगी ना। रेडियस कम होगा तो ग्रेविटी क्या होगी? सही बात है। बट आप देखेंगे बच्चे लोग कि जब आप डेप्थ पर आएंगे, जब आप डेप्थ पर आएंगे तो ग्रेविटी अभी भी क्या होगी? सर ये तो लॉजिकली समझ में नहीं आता है। फॉर्मूले के हिसाब से तो अगर हाइट कम होगी तो ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, हम लोग हाइट कम कर रहे हैं ना, तो ग्रेविटी क्या होनी चाहिए? बट यहाँ तो ग्रेविटी कम हो रही, क्यों? तो इसके पीछे का रीजन समझो। देखो हम लोग अर्थ के जब अंदर आएंगे तो अर्थ का साइज क्या हो रहा है, मतलब देखो मैं इतना दूर आया ना, तो इतने दूर का जो ये अर्थ का मास है बच्चे लोग, ये मट्टी से भरा हुआ है ना पूरा, ये भी तो कम होगा ना। पहले अर्थ इतना बड़ा था, अब अर्थ इतना बड़ा हो गया, तो ये जो एक्सेस में इतनी सारी मट्टी है उसका मास कम होगा कि नहीं? देखो ऊपर जा रहे थे तो मट्टी नहीं थी, एयर थी, क्या थी? और हम लोग उसको निग्लेक्ट कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे? बट जब नीचे आएंगे तो मट्टी है, उसका मास क्या होगा? कम। उसका मास क्या होगा? और मास और ग्रेविटी में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट मास और ग्रेविटी में कौन सा रिलेशन है? मास कम होगा तो ग्रेविटी भी क्या होगी? मतलब ये कि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ, आप अर्थ के सरफेस के नीचे आओ, आप पोल से इक्वेटर पर आओ, तीनों ही केस में ग्रेविटी क्या होगी? कम। समझ में आया? क्या हो अगर मैं अर्थ के सेंटर पे चले जाऊ? वो छोड़ो गर्म है वो ठीक, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जीरो है। क्यों सर? जब आप पॉइंट पर चले जाएंगे तो मास बचेगा, मास अगर जीरो हो गया तो ग्रेविटी कितनी हो गई? तो एग्जाम में पूछता है एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज हाउ मच? जीरो। सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है? अगर मैं आपके सरफेस से ऊपर जाऊं तो ग्रेविटी क्या होने वाली है? कम। बढ़ेगी कहां से यार? बढ़ना तो मैंने किसी केस में बोला ही नहीं। ऊपर जाएंगे तो भी ग्रेविटी कम, नीचे आएंगे तो भी है। आपके बुक में एक टेबल बना के बताया कि माउंट एवरेस्ट में चले जाएंगे तो जी की वैल्यू कितनी होगी, हाईएस्ट बलून जो हमने रीच किए उस पर पहुंचेंगे तो ग्रेविटी कितनी होगी। सही बात है। आप अगर टेबल को ध्यान से देखो तो आपको उसमें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। बेसिकली हाइट बढ़ते जाएगी तो ग्रेविटी क्या होता जाएगी? क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था बच्चे लोग कि हम लोग पढ़ेंगे मास और वेट के बीच का डिस्टिंग्विश, है ना? देखो मास और वेट इन दोनों के बीच में फर्क समझो। हम लोग नॉर्मली ये दोनों वर्ड को एक ही चीज के लिए यूज करते, बट ये दोनों क्या है? अलग है। व्हाट इज मास? सो मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, आपके बॉडी में जो मैटर है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? मास। देखो मेरे बॉडी के अंदर जितना भी सिस्टम है ये मैं जहां भी जाऊंगा लेके ही जाऊंगा, ऐसा तो नहीं नट बोल्ट पे फिक्स है कि खोल के हाथ रख दिया मैंने, नहीं मजा नहीं आ रहा, वजन ज्यादा हो गया। जब भी जाऊंगा ये सारी चीज लेके जाऊंगा। ये अलग बात है कि भैया मैं यहाँ पे था तो मेरे दोनों हाथ थे, मेरे को कहीं और लेके गए, हाथ कट कर दिए, तो मेरा मास चेंज हो। नॉर्मली ये तो सारी चीजें साथ में घूमेंगी, मतलब आपका मास बदलने वाला नहीं। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ मास चेंज, इसके बोलने का मतलब ये है कि मास इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। मास इज, समझ में आया? आप जुपिटर पे चले जाओ, आप चांद पे चले जाओ, आप गैलेक्सी के बाहर निकल जाओ, आपका मास बदलने वाला? हाँ जा सकते हैं।
जाते हैं ना भाई। अच्छा, नाउ व्हाट इज वेट? वेट इज द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अवर बॉडी। वेट इज ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अवर बॉडी बोलो और ऑन अवर मास बोलो। अपने मास पर जो ग्रेविटी एक्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। मास को जब आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? देखो मास बदलने वाला नहीं है बट ग्रेविटी तो बदल रही है, मतलब वेट भी क्या होगा? बदलेगा। वेट भी क्या होगा? क्योंकि ग्रेविटी बदल रही है तो वेट भी क्या होगा? मास बदलता, वेट बदलता है। देखो मून पर ग्रेविटी कम है बच्चे, मून पर ग्रेविटी अर्थ के कंपेयर में 1/6 है, 6 गुना कम है। अगर आपका वजन, मैं वजन बोल रहा हूं मास नहीं बोल रहा हूं, वजन बोले तो वेट, अगर आपका वेट यहां पर 60 न्यूटन है, देखो मास की यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग? केजी। वेट की यूनिट है न्यूटन, वेट की यूनिट क्या है? न्यूटन है। अरे मास इनटू एक्सेलरेशन किसका फॉर्मूला है? फोर्स का ना, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो पहले तो यही लिख देता है काम, मास की यूनिट, यूनिट ऑफ मास इज केजी, यूनिट ऑफ मास इज केजी, और यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट की यूनिट क्या बच्चे लोग? न्यूटन। ठीक है, ये जगह जगह के हिसाब से क्या होगा? बदलेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि अर्थ पर जितना ग्रेविटी है मून पर उसका 1/6 है। मून पर कितना है? मतलब अगर आपका वजन यहाँ पर 60 न्यूटन है तो आप मून पर जब वजन करेंगे तो आपका न्यूटन 10, आपका वेट जो है वो 10 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? 60 को 6 से डिवाइड करो कितना है? 10 न्यूटन, 6 गुना कम हो जाएगा तो 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया? 10 न्यूटन। इसीलिए आप देखो मून पर ऐसे लोग उड़ते हुए दिखते हैं, उड़ रहे नहीं, वहां ग्रेविटी कम है, खींचने वाला फोर्स क्या है, इसीलिए वो एक बार चलता है तो अपने को लगता है कि वो उड़ रहा है। रीजन ग्रेविटी क्या है वहां पर कम है। अरे समझ में आया कि नहीं बच्चे? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मास स्केलर क्वांटिटी है, याद है 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था मास क्या है? स्केलर। मास इज स्केलर, बट वेट जो है ना, क्योंकि वो फोर्स है, और फोर्स क्या होता है? वेक्टर। तो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अरे याद रहेगा आपका स्केलर और वेक्टर 9th में पढ़ाया था, जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े उसको स्केलर बोलते हैं, और जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगे उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। याद रहेगा, कोई दिक्कत? पक्का? झूठ तो नहीं बोले? हाँ वहां कसम तेरे पास मानी है क्या? ठीक है लिख लो सर अपना मास नापना। चलो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मुझे मेरा मास पता करना है तो कैसे पता करूं? एकदम सिंपल है भैया, आप तराजू ले लो। अरे वजन करना है तराजू ले लो, यहाँ पर आप रख दो 10 किलो और यहाँ पर आप बैठ और बैलेंस करते जाओ उसको। सुनो मेरे बात, उसको क्या करते जाओ? एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो क्या हो जाएगा? देखो ग्रेविटी तो दोनों साइड है, ग्रेविटी तो दोनों साइड से ग्रेविटी क्या हो जाएगी? क्या बच्चा मास समझ में? तो आप एक्चुअली जो सामान खरीदते हो हम लोग वहां पर ग्रेविटी को कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम लोग वहां पर क्या मेजर कर रहे हैं? मास मेजर। समझ में आया? चलो